आज के एपिसोड में अनुपमा डॉली से अनु और परी के लाने के लिए कहती है। डॉली अनु को पूल में ले जाने का फैसला करती है। अनु कहती हैं, लेकिन वे सूर्यास्त देखने जा रहे थे। डॉली अनु को मान लेती है और अनु और परी डॉली के साथ जाते हैं। अनुपमा ने पाखी को बगल में खींच लिया। आदिक बात करने की कोशिश करता है। अनुपमा आदिक से अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है और वह पाखी से बात करना चाहती है। अनुपमा आदिक के साथ रूम शेयर करने को लेकर पाखी से भिड़ जाती है। आदिक बोलने की कोशिश करता है। अनुपमा उसको मुंह बंद रखने के लिए कहती है। लीला आदिक के साथ रूम शेयर करने के लिए पाखी पर चिल्लाती है। वह आदिक पर पाखी के साथ छेड़छाड़ करने और उसे कमरे में लाने का आरोप लगाती है। वह कहती है कि वनराज ने न केवल आदिक को थप्पड़ मारा होगा बल्कि उसकी हड्डियों को भी तोड़ दिया होगा। किंजल पाखी से पूछती है कि दिनों परिवार को एक मुद्दा होने के बावजूद वह एक झूठ और क्या बोलना चाहती थी और आदिक के साथ क्यों आती है। लीला ने आदिक पर पाखी को उकसाने का आरोप लगाया। बरखा ने आदिक की ओर कहा और कहा कि पाखी एक बच्चा नहीं है जिसे भाई हेर फेर कर सकता है। वह कहती है कि पाखी भी उतनी ही गलती कर रही है जितनी अधिक कर रहा है। बरखा और लीला आपस में बहस करते हैं। राखी ने पाखी पर लगाया आरोप। पाखी चिल्लाती है और सबको मुंह बंद करने को कहती है। व्यस्क सम्मति के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण वह अनुपमा से बात करती है। पाखी व्यस्त का बचाव करती है। उनका दावा है कि वह अपना फैसला खुद ले सकती है। अनुपमा पाखी को अभी भी वनराज से पार्टी के लिए पैसे मांगने और रिचार्ज करने के बारे में व्याख्या देती है और वह पूछती है कि वह जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती और उस समय परिवर्तक कार्य करती है। पाखी अनुपमा लीला और अन्य को पुराना फैशन कहती है। वह कहती है कि विदेश में माता पिता लड़के और लड़कों को जज करने के बजाय उनका मुद्दा नहीं बनाते। अनुपमा कहती है कि 16 साल की उम्र में लड़कियां लड़कों को जज करने के बजाय मुद्दा नहीं तो क्या है, और लड़के घर से बाहर निकल जाते हैं और जिम्मेदार हो जाती है लड़कियां। अगर वह तुलना कर रही है तो वो पाखी से हर चीज की तुलना करने के लिए कहती है। पाखी अपने प्यार का बचाव करती है। वह अधिक के हाथ पकड़ती है और अपने प्यार का इजहार करती है। पाखी कहती है कि वह अधिक से शादी करेगी। अनुपमा ने घर वापस जाने का फैसला कर लिया। लीला ने वनराज को पाखी के बारे में बताने का फैसला किया। अनुज ने अपने चिकित्सा क्षेत्र में घर वापस जाने का फैसला किया। अनुपमा राखी को दूसरी कैब या कार बुलाने के लिए कहती है। राखी का कहना है कि मैकेनिक की मरम्मत करा रहा है। लीला वनराज को बुलाती है। पाखी अनुपमा से लीला को वनराज को बुलाने से रोकने के लिए कहती है। अनुपमा ने पाखी की मदद करने से मना कर दिया। काव्या अनुपमा को रोकने के लिए कहती है क्योंकि वनराज और अनुज एक दूसरे से हार सकते हैं। अनुपमा लीला को वनराज को बुलाने से रोकती है। बरखा आदिक को घर ले जाती है। लीला रोती है। अनुपमा संतावना लीला करती है। अनुज अंकुश और जीके के ने अलविदा कहा। वनराज कहते हैं कि आज का दिन अच्छा था। उनका कहना कि अधिक इतना भी बुरा नहीं है। हसमुख वनराज से सहमत है। समर वनराज से माफी मांगता है और कहता है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वनराज समर से अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कहता है। पाखी अनुपमा से उसे वनराज के प्रकोप बचाने के लिए कहती है। अनुपमा पाखी पर अधिक के साथ एक कमरा साझा करने का आरोप लगाती है। पाखी का कहना है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वह अधिक से प्यार करती है। यह आज के लिए इतना ही। और अधिक तब्र अपडेट के लिए न्यूज साइट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।